अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे और अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वेदर जो है वो भी चेंज होता जा रहा है, तो उसकी वजह से स्किन के अंदर चेंजेस आते हैं बिकॉज ये नेचुरल होता है। उसी तरह से बालों में भी चेंजेस आते हैं, वो भी नेचुरल होता है। और हमें दोनों चीज़ों का जो ख्याल हम रखते हैं या जो हमारी रूटीन की चीज़ें होती हैं या रिजीम होती है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। हाँ जी, सबसे पहले तो ये कि दरमियान में कुछ गैप आ गया बिकॉज मैं पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन जैसे कि हम फ्रेंड्स बन चुके हुए हैं, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फैमिली, तो होता यही है कि मैं मिस कर रही होती हूँ। और अब आज क्योंकि मुलाकात होनी थी आप लोगों के साथ, तो आई वॉज एक्साइटेड। मुझे नहीं पता आप लोग एक्साइटेड थे या नहीं, लेकिन मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि हाँ आज मैंने लाइव करना है और लाइव की वजह से जो है वो हम आपस में बातचीत कर सकेंगे और एक दूसरे से मिल सकेंगे और एक दूसरे का हाल पूछ सकेंगे कि कैसे हैं सब लोग और क्या क्या चल रहा है लाइफ में। आज जो है वो पाकिस्तान का मैच भी है, तो मेरी तरफ से पाकिस्तान के लिए गुड लक और हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान जीते, तो लेट्स होप कि पाकिस्तान जीते। और कोशिश करते रहना चाहिए, गेम गेम होती है और अगर आप अपनी पूरी एफर्ट करते हैं और उसके बाद भी जीतना तो एक नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है, एफर्ट पूरी रखनी चाहिए और आपकी इंटेंट अच्छी होनी चाहिए और आपकी प्रैक्टिस और आपकी जो है ना वो मतलब आपकी एफर्ट पूरी होनी चाहिए ताकि ऐसा ना लगे कि खेला नहीं है या फिर खेले बगैर हार गए हैं। आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो बहुत ज़रूरी भी है। वो सिर्फ खाली इंटरेस्टिंग नहीं है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एसेंशियल विटामिंस के ऊपर जिनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी स्किन की हेल्थ में। आज हम सिर्फ स्किन पे बात कर रहे हैं, हेयर पे नहीं कर रहे हैं। हमारी स्किन की हेल्थ में बहुत बड़ा रोल होता है और इन एसेंशियल विटामिंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और हमारी स्किन को बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन हम अपनी स्किन की बात ही नहीं सुन रहे होते, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता। होता यही है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो एसेंशियल विटामिंस हैं उनमें कमी आ जाती है या उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ऑब्वियसली फिर स्किन आपकी जो बॉडी है उसमें कोई ना कोई चेंज आता है। वो आपको एक्स शो कर सकती है, वो आपको ऐसा फील हो सकता है कि अच्छा बहुत जल्दी मैं थक जाती हूँ, या आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, एपेटाइट में चेंज आ सकता है, मतलब भूख ज़्यादा लग सकती है, भूख कम लग सकती है, वेट जो है वो एक जगह वेट जो है वो बगैर वजह के बढ़ भी सकता है और उसके अलावा जो है वो कम भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो बॉडी शो करती है। होता यह है कि बॉडी जो है वो हिडन होती है, अंदर जो उसके ऑर्गन्स हैं वो हिडन होते हैं, वो सामने नज़र नहीं आ रहे होते और बिल्कुल पता ही नहीं चलता और हम इग्नोर कर रहे होते हैं। अच्छा आजकल जो है ना मैं ओवरवर्क्ड हूँ, आजकल मुझे काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, इस वजह से जो है ना वो मैं थक जाती हूँ। हम ये सोचते हैं ना, हम ये थोड़ी सोचते हैं कि कहीं बॉडी में कोई डेफिशिएंसी ना हो गई हो जिसकी वजह से मुझे जल्दी या ज़्यादा थकावट रहने लगी है। उसके बाद फिर हम ये भी सोचते हैं कि अच्छा ठीक है आजकल क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है तो मुझे नींद अच्छी नहीं आ रही। फिर हम ये भी सोचते हैं कि शायद मैं ज़्यादा बैठ के काम करना शुरू हो गई हूँ इसलिए मेरा वेट बढ़ रहा है, और ये भी सोचते हैं कि शायद मैं गलत खाना शुरू हो गई हूँ आजकल जिसकी वजह से मेरा वेट जो है वो कम होना शुरू हो गया है बगैर वजह के या मेरी एफर्ट के बगैर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं हम इनको इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि बॉडी जो है उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं या जो भी चल रहा होता है वो हिडन होता है। लेकिन जैसे ही बात आती है हमारी स्किन की, हमारे बालों की, तो वो तो नज़र आ रही होती है। अब जब स्किन नज़र आ रही होती है और वो आपको पता चले कि मेरी स्किन तो मुझे बहुत रूखी सी लगना शुरू हो गई है, मुझे बहुत डल लगना शुरू हो गई है, या इसके ये तो पैची होना शुरू हो गई है, या बिल्कुल एकदम से ड्राई रहना शुरू हो गई है, विदर्ड रहना शुरू हो गई है, तो फिर ज़रूर हमें ख्याल आता है कि कुछ ना कुछ चेक करवा लें या कुछ ना कुछ कर लें बिकॉज कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से स्किन ने ऐसे बिहेव करना शुरू किया है। तो होता यही है कि स्किन जो है वो अपेरेंट होती है, वो ऑब्वियस होती है, तो उसकी वजह से जब उसमें चेंजेस आते हैं तो तब हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है ऐसा जिसको देखने की ज़रूरत है। बॉडी क्योंकि या बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं, मेरी वजह से हो रहा होगा, ज़्यादा काम की वजह से हो रहा होगा, अच्छा ये गलत खा लिया होगा इसकी वजह से हो रहा होगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये तो इसलिए आपसे बात करना ज़रूरी था कि ऐसा होता है कि हमें
कॉल आ रही होती है हमारी बॉडी की वजह से, लेकिन हम इग्नोर कर रहे होते हैं, हम ध्यान नहीं देते, हम कहते हैं अच्छा ऐसी थकावट ज्यादा हो रही होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होता है तो कुछ हो रहा होता है, ऐसे तो नहीं होता। तो इसी तरह से ये होता है कि जब तक डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर चल रही होती है तो हम क्योंकि उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते, लेकिन जैसे ही हमें स्किन के ऊपर साइंस मिलना शुरू होते हैं तो हम एकदम से कॉन्शियस हो जाते हैं। याद रखिएगा कि एक हेल्दी स्किन जो है वो हमेशा एक हेल्दी बॉडी के ऊपर होगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि बॉडी हेल्दी नहीं है, बॉडी डेफिशिएंट है बट स्किन के अंदर से तो शुआएं निकल रही हैं और स्किन तो बहुत ही ऑसम चल रही है और बड़ी अच्छी हेल्दी रह रही है, ये नहीं हो सकता। तो अब हम बात करेंगे चार ऐसे एसेंशियल विटामिन्स की जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं कोई भी ऐसा पॉइंट जो है वो मिस कर दूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको चेक करती रहूँगी कि मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी है। चार इंपॉर्टेंट विटामिन्स जिनके बारे में आज हम बात करेंगे वो है विटामिन डी, विटामिन बी, उसके बाद विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो ये चार विटामिन्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, विटामिन डी, विटामिन बी, उसके बाद विटामिन सी और फिर विटामिन ई। ये चार विटामिन्स जो हैं ये एक पिवोटल और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी स्किन की हेल्थ में, और इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि इनकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो हमें प्री मेच्योर एजिंग, हमें अनइवन टोन, उसके अलावा हमें फाइन लाइंस, इसके अलावा सैग, और उसके साथ साथ जो है इवन पिगमेंटेशन और ओपन पोर्स भी हो सकते हैं। चलें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन डी से। विटामिन डी जो है ये इतनी इम्पॉर्टेंट है बॉडी की हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए, कि इसको एक हार्मोन भी कहा जाता है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। और इसको जो है एक और नाम भी देते हैं जो कि बहुत ही क्यूट लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एंड दैट इज सनशाइन विटामिन। ठीक है, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं इसको, लेकिन हमें पता है इतना कॉमनली यूज होता है कि विटामिन डी जो है वो कोई विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में होती है और उसे कम नहीं होना चाहिए। और बॉडी में जब विटामिन डी ठीक रहती है तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ खाली बोन्स और कैल्शियम का चक्कर नहीं चल रहा, इसमें बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा काउंट होती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखने के लिए और आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए इम्यून सिस्टम को विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है। अब स्किन में इसने क्या क्या करना है, एक तो ये आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करती है, ठीक है, जितना भी डैमेज होता है जैसे सनलाइट से होगा या फिर फ्री ऑक्सीजन रेडिकल से होगा ये उसको प्रिवेंट करती है। उसके अलावा क्या करती है, जाहिर है जब प्रिवेंशन कर रही है तो रीजुविनेशन में भी हेल्प करती है, सेल की ग्रोथ में भी हेल्प करती है, सेल की रिपेयर में भी हेल्प करती है और सेल मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसका क्या मतलब है, ये जो विटामिन डी है ये क्या कैसे काम करती है, विटामिन डी जो है अगर आपकी स्किन के अंदर नॉर्मल अमाउंट होगी उसकी, या आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल अमाउंट है विटामिन डी की, सॉरी, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है उसका रेजिस्टेंस और उसकी इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पे काम करेगी। जब वो ज्यादा बेहतर तौर पे काम करेगी तो ये आपकी स्किन की प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी, आपकी स्किन की रीजुविनेशन में हेल्प करेगी, उसके साथ साथ सेल ग्रोथ में हेल्प करेगी, सेल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगी और उसके साथ साथ रिपेयर भी करेगी। इतनी इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं कि रेशियली जेनेटिकली हम लोगों के अंदर, मतलब अगर 100 लोगों को आप देखें, 100 लोगों का डेटा होगा तो उसमें से 95 लोग जो होंगे वो डेफिशिएंट ऑफ विटामिन डी होंगे। तो उसमें क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई यहाँ पे तो इतनी धूप है बाहर, तो यूरोप में, अमेरिका में जहाँ पे बर्फबारी होती है और बहुत ठंड होती है, तो वहां पे लोग कहते हैं कि अच्छा जी इस वजह से हमें तो धूप ही नहीं मिलती, हमें तो धूप ही नहीं लगती है, तो इस वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसा नहीं होता। विटामिन डी जो है पाकिस्तान में हमारे यहाँ रेशियली जेनेटिकली बहुत कम है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं विटामिन बी पे। विटामिन बी भी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं विटामिन है। विटामिन डी जो है वो भी फैट सॉल्युबल होती है, यानी कि ये फैट, इसका ये मतलब है कि इसको फैट चाहिए अपनी एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है,
और जो विटामिन बी है ये भी फैट सॉल्युबल होती है. फैट सॉल्युबल का मतलब ये होता है कि इसको फैट चाहिए फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन और टू वर्क इन ए बेटर वे. ठीक है. अच्छा, विटामिन बी जो है वो क्या क्या करती है, वो एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करती है स्किन को. एसेंशियल फैटी एसिड्स, क्योंकि अगर फैटी एसिड्स जो हैं वो नहीं होंगे तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आपकी स्किन विदर हो जाएगी और आपकी स्किन के ऊपर क्या होगा, आपकी स्किन पे आपको लगेगा कि फाइन लाइंस ज्यादा नजर आएंगी. ठीक है, ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी. उसके अलावा ये क्या करती है, सेल डैमेज को रोकती है. सेल डैमेज को रोकती है. इसके अलावा वाटर लॉस को भी रोकती है. वाटर लॉस यानी कि स्किन जो है उसको हाइड्रेट रखने में भी हेल्प करती है. जब स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो आपको ज्यादा प्लम्प, ज्यादा हेल्दी और उसके ऊपर फाइन लाइंस कम आएंगी. ठीक है. विटामिन बी जो है ये क्या क्या करती है, ये फैटी एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं, या आप समझ लीजिए जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि जिनकी स्किन को जरूरत होती है, फैटी ऑयल्स या फैटी एसिड्स जो हैं ये वो प्रोवाइड करती है. जो फैटी एसिड्स होते हैं ना वो स्किन के बैरियर के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर उसका बैरियर जो है वो खराब होगा स्किन का तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. फिर आपकी स्किन बहुत जल्दी जल्दी ड्राई होगी, डिहाइड्रेटेड होगी. जब डिहाइड्रेटेड रहेगी तो आप देखेंगे सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी और वो जल्दी बूढ़ी और बेरौनक नजर आएगी. एक तो ये एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है स्किन को वो प्रोवाइड करता है. उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये सेल डैमेज को रोकता है, ये प्रिवेंट करता है सेल डैमेज को. उसके साथ साथ ये वाटर लॉस को रोकता है और जब वाटर लॉस को रोकेगा तो स्किन को प्लम्प और हाइड्रेटेड करता है. ठीक है. अच्छा, अब ये जो दो मैंने आपको विटामिंस बताए हैं, विटामिन डी एंड विटामिन बी, ये दोनों विटामिंस जो हैं ये फैट सॉल्युबल हैं. ठीक है. जब हम कोई ऐसी डाइट करना शुरू कर देते हैं जिसके अंदर हम फैट को निकाल देते हैं, फैट को कम कर देते हैं, तो अगर हम कोई ऐसी चीज खा भी लेंगे जिसके अंदर विटामिन बी या विटामिन डी होगा तो वो एब्जॉर्ब अच्छा नहीं हो सकता. उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी रखने के लिए हमें एसेंशियल फैट्स की जरूरत होगी. अब हम आ जाते हैं विटामिन सी पे. इसका नाम तो मेरा ख्याल है जुड़ गया हुआ स्किन के साथ. विटामिन सी लगा लो, विटामिन सी खा लो, विटामिन सी से ये कर लो, विटामिन सी से ये कर लो. अच्छा, विटामिन सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉडी के लिए जैसे इंपॉर्टेंट है उसी तरह स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है. बॉडी में भी ये क्या काम करती है, बॉडी में भी क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है तो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स को निकालती है, उससे बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है, उसकी इम्यूनिटी बेहतर होती है. उसी तरह से स्किन में ये क्या करती है कि ये जो है वो एक्सेलरेट करती है प्रोडक्शन ऑफ कॉलेजन इलास्टिन को. कॉलेजन और इलास्टिन आपको पता है कि वो स्किन के एसेंशियल्स हैं और स्किन का सीमेंट है. ठीक है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो फर्म रहती है, अपनी जगह पे रहती है, टाइट रहती है, सैग नहीं करती है और बूढ़ी नहीं होती है. ठीक है, तो ये क्या करती है, ये एक्सेलरेट करती है या ये ज्यादा करती है या ये हेल्प करती है प्रोडक्शन ऑफ कॉलेजन एंड इलास्टिन में. उसके अलावा क्या करती है कि ये स्किन को फर्म रखती है. जैसे मैंने आपको बताया कॉलेजन इलास्टिन बनेगी तो फर्म और टाइट रखेगी और उसके साथ साथ प्लम्प करती है, यानी कि एंटी एजिंग होती है, क्योंकि एंटी ऑक्सीडेंट है तो एंटी एजिंग होगी. ठीक है, और उसके अलावा जो है ये प्री मेच्योर एजिंग को रोकती है, क्योंकि एंटी ऑक्सीडेंट है तो प्री मेच्योर एजिंग को रोकेगी. विटामिन सी जो होती है ये फैट सॉल्युबल नहीं होती है, ये वाटर सॉल्युबल है. और मजे की बात ये है कि ये बड़ी आसानी से जो है वो आपके यूरिन के साथ पास होती जाती है. ये वाटर सॉल्युबल है. जो ज्यादा टॉक्सिक हो सकती हैं वो फैट सॉल्युबल होती हैं. जैसे विटामिन डी जो है वो बॉडी में ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी करेगी, विटामिन बी ज्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी करेगी. ठीक है, विटामिन सी को बहुत लंबे अरसे के लिए बहुत आराम से खा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे. उसके बाद आ जाता है विटामिन ई. अब विटामिन ई का नाम भी बड़ा सुना जाता है, विटामिन ई के कैप्सूल्स ले लें तो स्किन के ऊपर लगा लें, इसको खा लें और ये वो. विटामिन ई जो है वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट ही होती है. विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट ही होती है, लेकिन बेसिकली इसका जो एक बहुत ही मेन रोल है वो होता है कि ये स्किन के बैरियर को स्ट्रॉन्ग करती है, स्किन के बैरियर को, स्किन की दीवार को स्ट्रॉन्ग करती है. जब वो स्ट्रॉन्ग होगी तो आप समझ लें कि अंदर से कुछ बाहर नहीं जा सकेगा, यानी कि स्किन का जो वाटर है वो लॉस, वाटर लॉस नहीं हो सकेगा. उसकी वजह से वो प्लम्प लगेगी, उसकी वजह से वो यूथफुल रहेगी और उसका बैरियर स्ट्रांग होगा तो बाहर से भी अंदर कुछ ऐसा नहीं जा सकेगा एज ए फॉरेन पार्टिकल या एज ए फॉरेन चीज, कोई भी जो है वो नहीं जा सकेगी.
एंटीऑक्सीडेंट तो ये है ही है, और उसके साथ साथ क्या करती है कि सेल डैमेज को प्रिवेंट करती है, क्योंकि ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो ये सेल डैमेज को प्रिवेंट करती है। तो ये थी चार इसेंशियल वाइटमिन्स जिनको मैंने आपको बताया, जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। देना क्यों जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि ये चार इसेंशियल वाइटमिन्स हैं जिनका आपकी बॉडी में पूरा रहना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ आपकी बॉडी की हेल्थ या ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए, बल्कि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए भी। आप देख लें, मैंने इस वक्त अपने फेस के ऊपर जो है वो वाइटमिन सी जो है वो यूज की हुई है, और उसकी वजह से वाइटमिन सी यूज की हुई है। उसके बाद फिर जो है वो मैंने मॉइस्चराइज किया हुआ है, और उसके बाद जो है वो मैंने अपना सनब्लॉक लगाया हुआ है। तो आप अगर देखेंगे कि मैंने हाथों को मॉइस्चराइज ही नहीं किया हुआ, तो जो हैंड्स हैं उनके ऊपर कोई शाइन, कोई ग्लो नहीं है, मैंने कोई हाइलाइटर नहीं यूज किया हुआ। तो अभी जो स्किन है, जो फेस की स्किन है, वो आपको जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर नजर आ रही होगी एज कंपेयर टू हैंड्स, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको मॉइस्चराइज नहीं किया। अब मैं आपको कुछ अच्छे वाले मल्टी वाइटमिन्स दिखाने वाली हूँ, या वाइटमिन सप्लीमेंट्स दिखाने वाली हूँ। नेवरदलेस, हमेशा कोशिश करें कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं जब तक वो आपको चेक नहीं कर लेता और आपको आपके लिए आपकी बॉडी के हिसाब से वाइटमिन सप्लीमेंट्स नहीं देता, आप खुद से उनको यूज ना करें, ज्यादा बेहतर यही होता है। ये देखें, ये बहुत ही जबरदस्त जो है वो वाइटमिन सप्लीमेंट है नोवोफेन के नाम से। इसकी अच्छी बात क्या है, क्वालिटी बहुत हाई है। उसके अलावा जो ब्रेथ में, जो आपके सांस में एक गंदी स्मेल आती है जो कि हमें अच्छी नहीं लगती है मल्टीवाइटमिन्स की, वो इसके साथ नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ एक और मल्टीवाइटमिन। ये भी बहुत अच्छी मल्टीवाइटमिन है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, एंड ऑब्वियसली इसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल जितने भी हमें जो है वो वाइटमिन्स चाहिए वो सब हैं। उसके बाद मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी है, इसके अंदर भी सारे के सारे एसेंशियल वाइटमिन्स जो है वो डले हुए हैं, एंड इट वर्क्स रियली वेल। उसके बाद मैं अब आपको एक और दिखा रही हूँ, ये देखें, ये जो है ये भी बहुत अच्छी है स्किन के लिए, क्योंकि इसके अंदर भी सारे के सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं, और उसके अलावा जो एसेंशियल वाइटमिन्स होते हैं स्किन के लिए वो सारे के सारे हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये सप्लीमेंट है कैल्शियम एंड वाइटमिन D3 का। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर वाइटमिन D3 और कैल्शियम दोनों चीजें अवेलेबल हैं, और मैंने आपको बताया कि ज्यादातर पाकिस्तानीज जो होते हैं उनके अंदर जेनेटिकली रेशियली ये कम ही होती है, ठीक है। अब मैं आपको दो तरह के वाइटमिन सी दिखा रही हूँ, दोनों ही वाइटमिन सी बहुत अच्छे हैं। ये च्यूएबल है, इसको पानी के साथ लेने की जरूरत नहीं है, और ये पानी के साथ लेते हैं, ठीक है। दोनों के जो यूनिट्स हैं, या दोनों के अंदर जितनी भी वाइटमिन सी, जितनी रिक्वायर्ड वाइटमिन सी होनी चाहिए वो है, और ये क्वालिटी वाइज दोनों बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ वाइटमिन बी के जो है वो टू सप्लीमेंट्स, ये देख लें, ये दो सप्लीमेंट्स मैं वाइटमिन बी के आपको दिखा रही हूँ। ये भी जो है वो बहुत अच्छी है वाइटमिन बी, और ये भी बहुत अच्छी वाइटमिन बी है, और दोनों ही जो है वो 1000 mcg है, और दोनों में से कोई भी आप, दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और वाइटमिन बी मैंने आपको बताया कि ये वन ऑफ द एसेंशियल वाइटमिन्स है फॉर द स्किन हेल्थ, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है वो वाइटमिन्स थे, वाइटमिन सप्लीमेंट्स थे, जो थोड़े से मैंने आपके साथ शेयर करने थे। वो शेयर इसलिए करने जरूरी होते हैं कि आपको अंदाजा हो जाए, क्योंकि देखें, अगर तो चीज जो कि आप ऊपर से लगा रहे हैं या आप खा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा